चैनल सनशाइन। सो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे और मज़े में होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये स्पेशल रक्षाबंधन मेकअप लुक। एंड इस लुक को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने सारे अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स को यूज़ किए हैं एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये लुक, ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विद माई स्किन प्रेप एंड आई एम यूजिंग हेयर दिस हिमालय क्लैरिफाइंग फेस टोनर टू मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ माई स्किन। एंड उसके बाद मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। समर हो या फिर रेनी सीजन, हमें हमारी स्किन को सन के हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा करंट फेवरेट मॉइ स्किन साइंस सनस्क्रीन बिकॉज इट कम्स विद वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सनस्क्रीन इज दैट इट हैज़ SPF 55 एंड PA++ जो कि हमारे स्किन पे एज अ बैरियर वर्क करता है। एंड इसमें है बहुत सारे अच्छे अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसमें है एवोकाडो ऑयल, कैरेट सीड जो कि सूट करता है सारे स्किन टाइप को। कैरेट सीड हेल्प्स टू कीप फोटो डैमेज इन चेक। एवोकाडो ऑयल हेल्प्स टू नरिश द स्किन एंड इट हैज आल्सो रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट व्हिच हेल्प्स टू रिपेयर द डैमेज स्किन। एंड इसकी जो बॉटल है उसके साथ आपको मिलता है एक स्कैन कोड जिसे स्कैन करके आप इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हो। एंड ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये ट्रूली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सनस्क्रीन को बहुत सारा अप्लाई किया था लेकिन ये थोड़ा सा भी हमारी स्किन पे वाइट कास्ट नहीं प्रोवाइड करता। ये हमारी स्किन में बहुत ही अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि ये आता है मैट फिनिश के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। सो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ सनस्क्रीन को अपने सारे एक्सपोज एरिया पे अप्लाई करने का। आप भी यही ट्राई करो कि जहाँ पे भी आपका एक्सपोज एरिया आप वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करो सनस्क्रीन। एंड आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब है। सो स्किन केयर के बाद अब हम मूव ऑन करेंगे अपने फेस मेकअप की तरफ। सो सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने स्किन को प्राइम विद द हेल्प ऑफ मालियो प्राइमर। इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एंड इसे मैंने बाय किया था लोकल मार्केट से। सो मेरे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थे बट जब मैंने इसे अप्लाई किया एंड इसके जो रिज़ल्ट थे मेरे स्किन पे वो अमेजिंग थे। इसने जो भी मेरे पोर्स थे सबको ब्लर कर दिया था, बहुत ही स्मूथ फिनिश प्रोवाइड की थी। एंड जब मैंने अपना APK का फाउंडेशन अप्लाई किया तो इसने मेरे फाउंडेशन को भी बहुत ईजिली ब्लेंड करने में हेल्प की, बहुत ही अच्छी फिनिश मुझे प्रोवाइड की थी। सो मैंने फाउंडेशन को सिंपली अप्लाई कर लिया, ब्लेंड कर लिया एंड उसके बाद मैंने अपने ब्रॉज की फिलिंग ऑफ कैमरा ही कर ली थी। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन के कंसीलर को सिर्फ अपने ब्रॉज को शार्पन अप करने के लिए एंड जो भी थोड़े बहुत मेरे डार्क सर्कल्स हैं उसे हाइड करने के लिए। उसके अलावा मैंने कहीं पर भी कोई भी कंसीलर नहीं यूज़ किया क्योंकि मैं रक्षाबंधन पर ज़्यादा हेवी लुक नहीं चाहती थी। सो मैंने कंसीलर वाले पार्ट को सिर्फ सेट किया लूज पाउडर की हेल्प से एंड बाकी बचे हुए फेस को मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट की हेल्प से। समर है तो अपने फेस को सेट करना पाउडर की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया दिस स्विस ब्यूटी फेस पैलेट। इसे मैंने किए अपने पूरे फेस की ब्रॉन्जिंग एंड सेम ब्रॉन्जर को मैंने अप्लाई किया एज अ ब्लश बहुत ही लेस अमाउंट में, बस थोड़ा सा अपने फेस पे कलर ऐड करने के लिए। एंड उसके बाद मैं अपने पूरे बेस को सेट कर। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई आई मेकअप एंड मैंने यहाँ पे पिक किया दिस रस्टी ब्राउन शेड को। तो इस शेड को मैंने अप्लाई किया अपने इनर वी सेक्शन एंड आउटर वी सेक्शन पे। सिंपली मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने क्रीज लाइन एरिया पे ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रह जाए। सेम शेड को मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है एंड अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया येलो शेड में शिमरी शेड को। एंड उसके बाद एक छोटा सा बस विंग आईलाइनर मैंने ड्रॉ किया है, देन अपने लैशेस को अच्छे से कोट कर रही हूँ मस्कारा की हेल्प से। एंड उसके बाद मैंने सेम स्विस ब्यूटी से हाईलाइटर को पिक किया अपने सारे हाईलाइटिंग पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। लास्टली मैं यहाँ पे आज अप्लाई करूँगी नायका की लिपस्टिक को ये न्यूड शेड में। आप अगर चाहो तो थोड़े ब्राइट शेड को भी वेयर कर सकते हो। दिस इज आवर फाइनल फिनिश लुक यू गाइस। आई रियली होप कि आप लोगों को ये इजी पीजी सा रक्षाबंधन मेकअप लुक पसंद आया होगा एंड वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर अच्छा लगा हो तो आपको भी पता है कि आपको क्या करना है। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ
एंड अगर आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, बाय गाइज़।